और चिकन अभी रौनक दे रहा है, देख सकते हैं पूरा भी। 40 मिनट तक बोरा चावल को भुना जाएगा इसी तरह से, 10 मिनट हुआ और आधा घंटा और भुना जाएगा, देख सकते हैं रौनक कुछ इस तरह से। गजब का टेस्ट है भाई, अमेजिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी मैं आया हूँ फेमस जो कि चिकन खिचड़ी, जो कि चिकन का खिचड़ी बनाया जाता है, वहीं पे आया हूँ। जो कि पूछते हैं कहाँ पे है, नहीं है, और लोकेशन बताते हैं भैया से और जानते हैं और देखते हैं कैसा बनता है, नहीं बनता है। चलते हैं दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ से आपका चिकन लिया जाता है, देख सकते हैं इधर भी ताज़ा चिकन। ये भाई साहब बनाते हैं चिकन का, भाई साहब आप ही बनाते ना? हाँ हाँ, मतलब कटिंग करते हैं आप ना? ये भाई साहब कटिंग करते, देख सकते हैं ये चिकन ताज़ा चिकन रहता है भाई, कहीं दूसरा जगह चिकन नहीं लाया जाता, यहाँ से पालन किया जाता है और बनाया जाता है। और देख सकते हैं टेक्नोलॉजी जो उनका पंख साफ करने का, और भाई साहब ये बनाते हैं यहाँ पे। कितना दिन से बना रहे भाई? पाँच साल से। तो जानते हैं अभी खिचड़ी, देखते हैं इस साइड में खिचड़ी बन रहा है, देख सकते हैं अभी प्याज भुना रहा है भाई साहब, भून रहे हैं प्याज। इधर हमारे चिकन रखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये। और अभी क्या क्या मटेरियल डलाता है अभी देखते हैं। अभी देख सकते हैं तेजपत्ता भाई साहब डाल रहे हैं। एक खिचड़ी यहाँ पे बनने रेडी है, रेडी होने वाला है जस्ट, और ये लगभग में है। और अभी भाई साहब यहाँ पे बना रहे, ये हमारे भाई साहब बना रहे। भाई साहब कितना दिन से एक्सपीरियंस हो आप बताओ? बोलिए। 2 साल से। हाँ बहुत हंस रहे हो भाई, बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है, शर्मा रहा क्या? एक्सपीरियंस नहीं है समझा। और भाई साहब अभी शर्मा रहे हैं जो कि बोरे 2 साल से कर रहे हैं। और देख सकते हैं अभी चिकन डल चुका है और अभी नमक पड़ रहा है, भाई साहब अंदाज से डाल रहे हैं। और चिकन अभी रौनक दे रहा है, देख सकते हैं पूरा भी कलर छोड़ रहा है और मस्त अभी बन रहा है यहाँ पे। और भाई साहब से जानने को मिला है कि यहाँ पे मटन का भी उपलब्ध है, लेकिन मटन लाना पड़ता है, मटन का भी खिचड़ी बनाया जाता है। तो भाई साहब मटन लाना पड़ता है क्या? हाँ। तो भाई साहब बोल रहे मटन लाना जाता है। और शुद्ध देख सकते हैं तेल का उपयोग किया जा रहा है, सरसों का, जो कि एकदम ओरिजिनल तेल है सरसों का, यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं भाई साहब यूज कर रहे हैं। अभी मटन डाल चुका है इस साइड में, हम लोग का ये चिकन वाला बन रहा है इधर, लेकिन भाई साहब मटन के भी बना रहे थे तो भाई साहब ने बोला कि मटन के भी बना दो, तो ये मटन का भी इधर इस साइड में बन रहा है। इस साइड में भी बन, ये लगभग में तैयार हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा चावल यूज करते हो भाई, देख सकते हैं ये मटन है, ये चिकन नहीं है भाई, ये मटन है, देख सकते हैं आपको दिखने में पता चल रहा होगा, जो कि आपको बाहर से खरीद के लाना पड़ता है मटन, यहाँ उपलब्ध नहीं, यहाँ सिर्फ चिकन का उपलब्ध है। अब बाहर से मटन लाइए, यहाँ पे खिचड़ी बना दिया जाएगा। तो भाई साहब हमको जानने को मिला, और अभी हम देखते हैं कौन सा चावल यूज किया जाता है, आपको बताते हैं। ये आरवा चावल है जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा है चावल, और अभी चावल डल रहा है, आप देख सकते हैं चावल डल चुका है और भाई साहब और चावल डाल रहे हैं। अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पे आके भाई से पूछोगे तो कितना आदमी, उस हिसाब से क्वांटिटी बता दिया जाता है। तो अभी चावल डला रहा है और ये देख सकते हैं चावल डल चुका है, और अभी यहाँ पे मिक्स किया जाएगा चावल को, भुना जाएगा। और ये स्पेशल टमाटर, 1-2 टमाटर डाला जा रहा है, और देख सकते हैं ये, और चावल को बहुत अच्छा से भुना जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा भुनने का प्रक्रिया अभी भी चल रहा है, करीबन हमको लगता है 10-15 मिनट हो चुका है। और अभी कितना मिनट तक और भुनाएगा भाई? हाँ 40 मिनट तक। 40 मिनट तक बोरा चावल को भुना जाएगा इसी तरह से, 10 मिनट हुआ और आधा घंटा और भुना जाएगा, इसीलिए खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हम पहली बार देख रहे हैं कि 40 मिनट चावल को चिकन के साथ भुना जा रहा है भाई। हम लोग तो नॉर्मली ऐसे बना देते हैं, लेकिन नहीं, देख सकते 40 मिनट तक ये इसी तरह से भुना जाएगा अभी, तभी स्वादिष्ट लगता है, इसलिए ये फेमस है पूरा। आपको हम बताएंगे कहाँ पे है, नहीं है, कहाँ पे मिलता नहीं है, आप लोग बने रहिए, आप लोग देखिए सिर्फ कैसे बन रहा है अभी, कौन सा मसाला डलाएगा अभी आपको दिखाते हैं आपको डाल। और देख सकते हैं ये जो मिक्सी से दोबारा पीसा गया था वो मसाला डला रहा है अभी, और कुछ इस तरह से अभी इस डालने के बाद इसको भी अभी भुना जाएगा, अच्छा से भुना जाएगा इसको अभी। और देख सकते हैं भाई साहब अभी फिर से भून रहे हैं मसाला को, पूरा चावल को भाई भून दिए हैं भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई देखने में, मज़ा आ जाएगा खा के। पड़ रहा है आप देख सकते हैं, ये कौन सा मसाला भाई? गोलकी पाउडर। ये गोलकी पाउडर डला रहा है, आप देख सकते हैं ये
और अभी भाई साहब डाले हैं कुछ गोलकी पाउडर, अभी डलाया है। उसके बाद कौन सा मसाला डला रहा है? हल्दी। ये तो हल्दी अभी डला रहा है, देख सकते हैं ये हल्दी है कुछ इस तरह से। उसके बाद अभी अपने घर का जो मसाला ये भैया डालेंगे वो कुछ स्पेशल मसाला जो कि घर से लाए हैं। ये मसाला कहाँ से लाए भाई? घर से है। घर से? कौन सा मसाला इसमें पड़ता है? इसमें चार पांच को किस्म का मसाला। और चार पांच किस्म का मसाला जो डाला, जो कि भैया साहब बोल रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं कौन सा मसाला इसमें मिक्स किए किए। और ये अभी फिर से मसाला डाला रहा है। ये कौन सा मसाला भाई? धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर है, देख सकते हैं ये बस। और ये बस इतने मसाला डालाता है, लास्ट में चिकन मसाला जो डलाएगा, क्योंकि इधर है आप देख सकते हैं ये चिकन मसाला। और ये पानी पड़ चुका है, देख सकते हैं ये भाई साहब पानी डाल रहे हैं हमारे भाई साहब इधर। और देख सकते हैं भाई साहब चला रहे हैं, और देख सकते हैं रौनक कुछ इस तरह से खिचड़ी का, गजब का लग रहा है भाई देखने में। चिकन मसाला पड़ रहा है जो कि लास्ट में पड़ता है 5 मिनट बिफोर। और देख सकते हैं चिकन धनिया पत्ता डल चुका है, ये हमारे तैयार हो चुका है। और देख सकते हैं भाई ये खिचड़ी हमारे यहाँ पे आ चुका है, और अभी मैं परस रहा हूँ कुछ इस तरह से, देख सकते हैं हमारे पत्तल में। और अभी से मुझे मुंह में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं कुछ। देख सकते हैं दोस्तों ये आप रह चुका है हमारे पूरा पत्तल में, और ये देख सकते हैं पूरा खिचड़ी लग चुका है, गजब का टेस्ट है भाई, अमेजिंग, बहुत ही मजा है। अगला बंदा गिर गया। अपने दोस्तों से जानते हैं कैसा है नहीं है। और हमारे मेघलाल भाई कैसा लग रहा है? खतरनाक। और ये हमारे अंकित भाई खा चुके हैं, बताएं कैसा है? लजीज। भाई साहब मुझे तो टेस्ट लाजवाब लगा, गजब का टेस्ट है भाई। और इसके बाद खाने के बाद आपको हम बताते हैं कहाँ का कहाँ पे है नहीं है, भाई से बात पार करके आपको पता चलेगा कहाँ पे एड्रेस है, कहाँ पे ये मिलता है नहीं मिलता है खिचड़ी, आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों सब पूछते हैं क्या है क्या कहाँ पे है नहीं है। भाई कहाँ पे है ये? चपरी। चपरी में कहाँ भाई? गोठवार बस्ती। गोठवार बस्ती। और ये गोठवार बस्ती में पड़ता है, और चपरी फुसरो से कितना दूर में पड़ता है भाई? यही 6 किलोमीटर। और नावाडी भी इधर लोकल ही, तो वहाँ से कितना पड़ता है? 8 किलोमीटर। और कहाँ पे घुसना पड़ता है जो रास्ता है, वो जो है ना जो आपका हाईवे जो रास्ता है वहाँ से कहाँ से घुसना पड़ता है चपरी में? चपरी शिव मंदिर के बगल में रास्ता। और मैंने तो भाई साहब से जान लिया हूँ कहाँ था नहीं था, और मैंने भी बता दिया कहाँ था नहीं था। और आप लोग आए अच्छा लगे तो आगे खाए, और आप लोग खा चुके तो वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेंट कीजिए, और नहीं खाए तो एक बार आके खा के देखिए भाई साहब का हाथ से बनाया हुआ जादू सा लगता है भाई। मैंने खाया, मेरे दोस्तों से खाया, आपको दोस्तों से भी रिव्यू दिलवाया आपको कैसा लगा नहीं लगा वो देख के आपका बहुत ही मजा आएगा, उन लोगों को भी बहुत मजा आया और हमको भी बहुत मजा आया। तो मैं पहला बार टाइम था, मेरे दोस्त लोग पहले आया था, वही लोग सजेशन दिया था, तब मैं यहाँ पे आया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे दोस्तों।